वालेकुम दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि आप जो शेफ मोबाइल जो हमारा इंस्टा पे भी चैनल है, यूट्यूब पे है और फेसबुक पे चैनल जो है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप फॉलोअर्स का और यूज़र्स का और यूट्यूबर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम आपको आगे क्रेज़ मिल रहा है और जिस तरह रिस्पॉन्स मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसी के ज़रिए से एक हमारे शेफ अफसर पठान धारूर केज डिस्ट्रिक्ट बीड़ से आज सुबह ही मॉर्निंग में मुझे कॉल किया था। कहा था कि शेख साहब, जो आपने S22 Ultra का जो वीडियो डाला है उसमें का 512 GB, देख सकते हैं मेरे हाथ में ये 512 GB S22 Ultra है जो इनको मैं अभी पार्सल लगा रहा हूँ। जो कस्टमर्स कहते हैं कि कोरियर या पार्सल या ऑनलाइन चालू हो गया क्या, तो इस माध्यम से और इस वीडियो के द्वारा जो कस्टमर्स ने अभी तक हमारे से ऑनलाइन जो चालू नहीं हुआ था, आज फर्स्ट टाइम हम ये वीडियो उन यूज़र के लिए भेज रहे हैं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट जो भेज रहे थे उसका ये वीडियो आगे आपको वीडियो पैकिंग और किस कुरियर में दे रहे हैं वो भी बताएंगे। तो जो अफसर पठान थे जिसने कॉल करके कहा था कि मैंने आपके फ़ोन पे पैसे डाल दिया हूँ, आप पार्सल लगा दीजिए, तो वो कस्टमर व्यूवर्स देख सकते हैं इस वीडियो को कि हमने जो भी कस्टमर पहले हमारे फ़ोन पे या गूगल पे अमाउंट डाल दीजिए, हम उनको कुरियर करा देंगे। ब्लू डॉट कुरियर है, क्यू कुरियर है या डेस्क टू डेस्क कुरियर है, जिस तरीके का भी कुरियर है। महाराष्ट्र में जा नज़दीक होंगे तो महाराष्ट्रियन वालों के रास्ते बहुत तो खुशखबरी की बात है कि हम कुरियर भी लगा रहे हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं अफसर भाई, अब कुछ ही घंटे में आपको इंशाल्लाह शेख मोबाइल S22 Ultra आपके हाथ में होगा। फाइनली गाइस, कोरियर जो है हमारा बिल्कुल रेडी है रवाना होने के लिए, और ये बुलेट स्टार्ट हो चुकी है और हम यहाँ से सीधा जाएंगे बस स्टैंड जहाँ पर हमें कोरियर लगवाना है। और ये रहा फेमस फंक्शन हॉल, और हम अभी चलेंगे सीधा बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से होते हुए। तो हम अभी आ चुके हैं देगलूर नाका नांदेड़, जो कि नांदेड़ की शान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी रश होता है, और ये रहा हमारा देगलूर नाका। और हम यहाँ से सीधा राइट टर्न लेंगे, राइट टर्न लेकर हम सीधा जाएंगे बस स्टैंड की तरफ जहाँ पर हमें ये कुरियर को देना है। भीड़ के लिए ये कुरियर जाएगा आज। काफ़ी ट्रैफिक था, ट्रैफिक में से फाइनली निकल चुके हैं और आप जा रहे हैं सीधा बस स्टैंड की तरफ। और ये रहा हमारा बाफना टी पॉइंट से कुछ ही दूर पर पड़ेगा हमें हिंगोली गेट, और हिंगोली गेट से कुछ ही दूर पर पड़ेगा हमें हमारा बस स्टैंड। तो फाइनली गाइस, आप हम आ चुके हैं हिंगोली गेट के करीब में, और ये रहा हिंगोली गेट, देख सकते हैं आप। और हम अभी करीब आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के, देख सकते हैं आप, ये रहा रेलवे स्टेशन नांदेड़ हुजूर साहिब के नाम से नांदेड़ का रेलवे स्टेशन। ये देखिए, जूम कर बताते हैं आपको नांदेड़ के रेलवे स्टेशन को। ये रहा नांदेड़ का रेलवे स्टेशन, और इसके बिल्कुल अपोजिट में ये रहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का डॉ, और देख सकते हैं, और इसी के थोड़ा सा आगे हमारा रहेगा नांदेड़ का बस स्टैंड। तो चलिए चलते हैं नांदेड़।
अंदर बिल्कुल रेडी।